है। और ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ट्रिपल आर ने अपने डे वन पर हिंदी मार्केट से जितनी भी कमाई करी थी अब उससे ज्यादा केजीएफ चैप्टर टू करने वाली है। हम जल्द ही केजीएफ चैप्टर टू की यूपी की एडवांस बुकिंग पर वीडियो लाने वाले हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर टू के प्री रिलीज बिजनेस पर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिल्म ट्रिपल आर का डे वन ब्रेक कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों एक स्टैंड अलोन फिल्म के कंपैरिजन में किसी फिल्म का सीक्वल या उसकी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ उसका अगला पार्ट हमेशा से दर्शकों को ज्यादा एक्साइट करता आया है। शायद यही वजह है कि बाहुबली द बिगनिंग के बाद रिलीज हुई बाहुबली द कंक्लूजन ने 3 गुना से भी ज्यादा का बिजनेस किया। वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जब साल 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि फिल्म का बनी उस फिल्म ने 250 करोड़ की ब्लॉकबस्टर कमाई करके इतिहास रचा था। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ दमदार था, जिसके चलते फिल्म के चैप्टर 2 को लेकर ऑडियंस पिछले 4 सालों से इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज सामने आ रही है फिल्म के आंकड़े और भी साफ होते जा रहे हैं। अब फिल्म के लिए 1000 करोड़ के क्लब को ज्वाइन करना बहुत आसान हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म पर जिस तरह का दांव खेल रहे हैं उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। दोस्तों बीते दिनों जब ट्रिपल आर फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म का डे वन कलेक्शन 223 करोड़ का निकल कर आया था। ये अमाउंट बहुत बड़ा मालूम पड़ रहा था। इस अमाउंट का कलेक्शन बटोरने के लिए फिल्म का हर इंडस्ट्री में क्रेज होना जरूरी होता है। किसी एक इंडस्ट्री के सहारे इस कलेक्शन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पैन इंडिया फिल्में तो कई आती हैं और चली जाती हैं। असली पैन इंडिया फिल्म तो वो होती है जिसका देश के हर छोटे से छोटे हिस्से में हर दर्शक वर्ग इंतजार कर रहा हो। ये हुनर इससे पहले राजामौली साहब के पास ही था। उनकी हर इंडस्ट्री में पकड़ रही तभी तो बाहुबली और ट्रिपल आर जैसी फिल्मों ने डे वन पर 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। हर इंडस्ट्री में फिल्म की बराबर पकड़ हो ऐसा आमतौर पर संभव नहीं होता। सो फॉर अगर देखें तो केजीएफ चैप्टर 2 एक ऐसी फिल्म बनकर उभरी है जिसका देश के हर हिस्सों में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म का डे वन कलेक्शन 200 करोड़ का कहीं नहीं गया। ये फिल्म ट्रिपल आर के डे वन कलेक्शन के 19 बीस ही कहीं पर परफॉर्म करने वाली है। खासकर केजीएफ का प्री रिलीज बिजनेस को देखते हुए ये कहना और भी आसान हो चुका है। फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस की ओर बढ़ने से पहले अच्छे से समझते हैं कि प्री रिलीज बिजनेस होता क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आज की तारीख में फिल्म मेकर सिर्फ थिएटर से ही पैसे नहीं कमाते, वे डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, ओवरसीज राइट्स और थिएटिकल राइट्स वगैरह से फिल्म की अपनी लागत निकाल लेते हैं। इसमें से थिएटिकल राइट्स को समझना जरूरी है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में पैन इंडिया फिल्मों को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा और हिंदी में आमतौर पर रिलीज किया जाता है। ऐसे में मेकर्स हर इंडस्ट्री स्लैश स्टेट वाइज अपने राइट्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक भारी रकम देकर फिल्मों को थिएटर एग्जीबिटर्स यानी कि थिएटर्स के मालिकों तक पहुंचाते हैं। अब थिएटर वाले फिल्म की टिकट बेचकर लोगों को फिल्म दिखाते हैं। इन टिकट्स को बेचकर जो भी अर्निंग होती है उसका X% थिएटर एग्जीबिटर्स को, Y% डिस्ट्रीब्यूटर्स को और कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर्स तक जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को जिस अमाउंट पर खरीदा है अगर उससे फायदा होता है तो उसी प्रॉफिट के बेसिस पर फिल्म को हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट दी जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा और हिंदी इन सभी वर्जन का हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होना इस बात पर वैरी करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को कितने में खरीदा और उनको फिल्म से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बात करें ट्रिपल आर की तो उस फिल्म के तेलुगु भाषा के थिएटरल राइट्स 240 करोड़ के बिके थे। तमिलनाडु में फिल्म के थिएटरल राइट्स को 48 करोड़ में, कनाडा में 45 करोड़ के, केरल में 15 करोड़ के और ओवरसीज में फिल्म के थिएटरल राइट्स को 70 करोड़ में बेचा गया था। इसके अलावा ट्रिपल आर के हिंदी थिएटरल राइट्स 140 करोड़ के बिके थे। एग्जांपल के लिए ट्रिपल आर के हिंदी थिएटरल राइट्स 140 करोड़ के बिके थे और फिल्म ने लगभग 250 करोड़ के हिंदी वर्जन से कमाई करी है। डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म से फायदा हुआ है और इस फिल्म के हिंदी वर्जन को सुपरहिट की वर्डिक्ट मिल चुकी है। बात करें डे वन की तो ट्रिपल आर ने अपने पहले दिन पर टोटल 223 करोड़ की कमाई करी थी, जिसमें आंध्र प्रदेश से 75 करोड़, तेलंगाना से 27.5 करोड़, तमिल से 10 करोड़, मलयालम से 4 करोड़, कन्नडा से 14.5 करोड़ और हिंदी बेल्ट से फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई करी थी। हर इंडस्ट्री से फिल्म ने पैसे छापे थे। ऐसा ही कुछ केजीएफ चैप्टर 2 के साथ भी होने वाला है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र और हर एज ग्रुप के लोगों के बीच इस फिल्म का बराबर क्रेज है। बता दें कि फिल्म के हिंदी थिएटरल राइट्स को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सल एंटरटेनमेंट ने एक्वायर किया है। फिल्म के थिएटरल राइट्स को 90 करोड़ में हिंदी बेल्ट ने बेचा गया है। साथ ही साथ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक निश्चित कलेक्शन के बाद ऊपर की कमाई पर डील भी लॉक की गई है। इसके अलावा तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में तो फिल्म के थिएटरल राइट्स इतने ऊंचे दामों में बिके हैं जो तेलुगु के बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को उतने पैसे नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु वर्जन के थिएटरल राइट्स को 112.5 करोड़ में बेचा गया है, जिसमें अकेले निजाम से ही प्रोड्यूसर दिल राजू ने फिल्म के थिएटरल राइट्स को 50 करोड़ में एक्वायर किया है। इसके अलावा कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 20 करोड़, यूए में 10 करोड़, गुंटूर में 8 करोड़, ईस्ट और वेस्ट में 8 करोड़, 7 करोड़, कृष्णा में 6 करोड़ और नेल्लोर में 3.5 करोड़ में थिएटरल राइट्स बिके हैं। मिलाकर तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म के थिएटरल राइट्स 112.5। यहां तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में थलापति विजय की फिल्म बीस्ट के थिएटरल राइट्स यही कोई 8 से 10 करोड़ के बीच ही बिके हैं। वहीं बात करें मलयालम वर्जन की तो दोस्तों यहां के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स को पृथ्वीराज सुकुमारन की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने डिस्क्लोज अमाउंट पर खरीदा है। फिर भी एक मोटा मोटी मान के चलते हैं कि केरला में इस फिल्म के थिएटरल राइट्स यही कोई 10 करोड़ के आसपास बिके होंगे। वहीं बात करें केजीएफ चैप्टर 2 के गढ़ यानी कि कर्नाटक की तो दोस्तों यहां के थिएटरल राइट्स यही कोई 100 से 150 करोड़ के बीच में बिके हैं। यहां पर एक निश्चित परसेंटेज के तहत फिल्म के थिएटरल राइट्स को बेचा गया है। वहीं बात करें फिल्म के तमिल वर्जन यानी कि तमिलनाडु की तो यहां पर थलापति विजय की फिल्म बीस्ट के चलते केजीएफ चैप्टर 2 के थिएटरल राइट्स उतने अच्छे दामों में नहीं बिक पाए हैं। जी हां दोस्तों, जहां तमिलनाडु में फिल्म के थिएटरल राइट्स 40 से 50 करोड़ के आसपास बिक सकते थे, वहां इस फिल्म के थिएटरल राइट्स मात्र 10 से 12 करोड़ के बीच ही बिक पाए हैं।
तमिलनाडु में 70-80% स्क्रीन पर थलापति विजय की फिल्म बीस्ट का कब्जा है। तमिलनाडु में इस फिल्म को 200-250 के आसपास ही स्क्रीन मिल पाई है, जो कि थलापति विजय की फिल्म के आगे भी इतनी स्क्रीन मिलना बहुत बड़ी बात है। बात करें ओवरसीज राइट्स यानी कि इंडिया के बाहर की, तो दोस्तों वहां पर फिल्म के राइट्स तकरीबन 50 करोड़ के आसपास बिके हैं। टोटल करें तो 450 करोड़ के आसपास फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस हो चुका है। जिस तरह के थिएटरल राइट्स बिके हैं उसे डेवन पर कैश करने की कोशिश करें तो ये फिल्म 150-200 करोड़ के बीच बड़े ही आराम से डेवन पर कमाई करने वाली है। यहां मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात कर रहा हूं। इसके अलावा दूसरे बिजनेस की बात करें तो फिल्म के डिजिटल लाइट्स को अमेज़न प्राइम ने बड़ी मोटी अमाउंट पर खरीदा है। इस फिल्म के डिजिटल लाइट्स यही कोई 55 करोड़ के बिके हैं, जो कि एक निश्चित अंतराल के बाद आपको ओटीटी पर यह फिल्म आराम से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जी कंपनी ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को यही कोई 120 करोड़ में खरीदा है। टीवी पर यह फिल्म आपको जी के ही किसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अब तक का फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस काफी अच्छा रहा है। वैसे थिएटरल लाइट्स RRR के कंपैरिजन में कम ही बिके हैं, लेकिन ऑडियंस को थिएटरल लाइट्स कितने में बिके इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आज की तारीख में KGF चैप्टर 2 का बस RRR और आने वाली कई फिल्मों से काफी ज्यादा है। फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में भी RRR को बीट कर रही है। तेलुगु इंडस्ट्री को छोड़ दें तो KGF चैप्टर 2 हिंदी बेल्ट में RRR से अच्छा ही बिजनेस करने वाली है। यही कोई फिल्म का डे 1 40 करोड़ प्लस ही निकलेगा। कन्नड़ा वर्जन में भी ऑब्वियसली फिल्म RRR को बीट कर रही है। ट्रेड पंडितों की माने तो ये फिल्म केरला में भी अच्छा कलेक्शन करने का बूता रखती है। फिलहाल अभी के लिए इतना कहना सही होगा कि 1000 करोड़ इस फिल्म का अभी कहीं नहीं गया। इसके अलावा अगर नजर डालें बीस्ट के प्री रिलीज बिजनेस पर, तो दोस्तों तमिलनाडु को छोड़कर हर जगह फिल्म का बस ठंडा है। इवन तेलुगु इंडस्ट्री जहां थलापति विजय का ह्यूज स्टारडम है, वहां पर भी KGF चैप्टर 2 के आगे फिल्म के थिएटरल लाइट्स काफी कम दामों में बिके हैं। हिंदी बेल्ट में फिल्म के थिएटरल लाइट्स यही कोई 5 करोड़ के बिके हैं। बीस्ट के तेलुगु वर्जन के थिएटरल लाइट्स यही कोई 10 करोड़ का मान सकते हैं। तमिलनाडु में थलापति विजय की फिल्म बीस्ट के थिएटरल लाइट्स एक निश्चित कॉन्ट्रैक्ट के चलते 65 करोड़ में बिके हैं, जिसने थला अजीत कुमार की पिछली फिल्म वली मई से 50 लाख रुपए ज्यादा पाए हैं। दोस्तों वली मई के तमिल थिएटरल लाइट्स को 64.50 करोड़ में बेचा गया था। बीस्ट फिल्म सबसे ज्यादा बिजनेस तमिल बॉक्स ऑफिस और कुछ हद तक केरल में कर सकती है। ये फिल्म अपने स्टेटमेंट 250 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। ओवरसीज मार्केट में ये फिल्म 70-80 करोड़ कमाएगी। कुल मिलाकर फिल्म का बॉक्स ऑफिस 300-400 करोड़ के बीच रहने वाला है। डेफिनेटली थलापति विजय की फिल्में जितनी कमाई करती आई है ये फिल्म बड़ी ही आराम से कर लेगी। इसके अलावा ओवरऑल KGF चैप्टर 2 की आंधी चलने वाली है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता